Hello friends, in this video we'll be covering some of the very important, very basic calculation tricks. So we'll be seeing 7 to 8 calculation tricks which will be very useful for you. Okay, so first of all we'll start with multiplication by 5. Okay, both important hai. Multiplication by 5, 25, 125, 625, etc. इन सब नंबर्स में क्या कॉमन है, ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 4 है. ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 7/5 तो ये इजी है, 1.4 आप बोल दोगे. ठीक है, 17/5 अगर मैं बोलूँ तो ये भी हम लोग जल्दी से कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 17/25 आ गया फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी शुरू हो जाता है, क्योंकि 25 का टेबल हमें याद नहीं होता. तो इसका ट्रिक क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर आपके पास 17/5 है ना, अगर 17/5 है तो सिंपली 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. और हमने अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 10. ठीक है, जब भी एक 2 और एक 5 मिलते हैं तो 10 बनता है, जब भी 2 2 और 2 5 मिलेंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा, जब भी 3 2 और 3 5 मिलेंगे तो 10 का क्यूब बनेगा. समझ आ रहा है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं. अब देखिए अगर मुझे 17/5 करना है, ठीक है, 5 टू डिवाइड 17/5 तो ये तो 10 बन गया, 17 टू द 34 और एक डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा. वैसे अगर 25 है तो 25 को अगर मुझे जीरोस में लाना है, सी 25 इज 5 का पावर 2 है ना, तो अगर मुझे 5 का पावर 2 को 0 0 बनाना है तो मुझे 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. दिस इज 100, देन दिस इज 68, न्यूमरेटर इज 68 और 68 अपॉन 100 है ना, तो 100 मतलब 2 डेसिमल शिफ्ट, यहाँ पे डॉट लग जाएगा, तो दिस इज 0.68. क्लियर है. इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 121/25, ऐसे रैंडम नंबर मैंने ले लिया, तो सिंपली हमें क्या करना है, जल्दी से ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी करेंगे, इसको मन में करेंगे. ठीक है, इसको लिख के करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हमें स्टेप मार्किंग नहीं मिल रहा है, तो हम बस मन में करेंगे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, और ये 100 बनेगा, तो 2 डॉट लगा दिया, खत्म. ठीक है, इसी तरह अगर मान लो यहाँ 121/125 होता, अब ये चीज डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वैल्यूज बन जाते हैं डीआई में. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं अगर दिस इज 5 का क्यूब, तो मैं यहाँ 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल है, 8 1 8, 8 2 16, एक कैरी हो गया, 8 1 8 19, और यहाँ पे दिस विल बिकम 1000. ठीक है, 10 का क्यूब बनेगा तो 1000, तो 3 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो दिस इज 0.96. समझ आ गया कैसे करते हैं इसको. आप अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो देखो कितना टाइम वेस्टिंग है, समझ आ रहा है, फिर इसको तुम टेबल लिख लिख के करोगे तो ऐसे नहीं करना. क्लियर है, मैं 2-3 एग्जांपल्स और ले लेता हूँ. मल्टीप्लीकेशन बाय 5 के, सॉरी डिवीजन बाय 5 के, सपोज करो 77/25 है. ठीक है, तो इसको हम सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि नीचे 100 बनने वाला है, तो 4 7 28, 2 कैरी हो गया, 3.0, खत्म. ठीक है, इसी तरह मान लो गंदा सा नंबर लेता हूँ, 883/125, क्या करना है हमें, 8 से मल्टीप्लाई करना है और 3 डेसिमल शिफ्ट करना है, कि नीचे 8 से करेंगे तो 1000 बनेगा. ठीक है, इसको कर जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 2 कैरी हो गया, 8 8 64 और 266 और 6 कैरी हो गया, 8 8 64 और 6 70, तो 7.064, खत्म. मेरे हिसाब से क्लियर होगा. सपोज 625 आ गया, ठीक है, 625 आ गया, मान लो नंबर मैं ले लेता हूँ 429, ऐसे रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ मैं, तो हमें क्या, ये देखो देखने में गंदा सा नहीं लग रहा करने के लिए, है ना, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से. क्यों करेंगे 16 से, बिकॉज दिस इज 5 का पावर 4 एंड दिस इज 2 का पावर 4, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 10 का पावर 4, तो नीचे तो 10 का पावर 4 बन जाएगा और ऊपर 16 से मल्टीप्लाई करना. अब थोड़ा सा देखो टेबल तो याद करना पड़ेगा, अगर तुम्हें कैलकुलेशन फास्ट करना है, टेबल्स का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, तो 1 से 25 तक का टेबल तो याद कर लो, 16 9 144. ठीक है, 144, 14 कैरी हुआ है, 16 2 16, यहाँ थोड़े मेंटली तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन तुम्हारे एग्जाम में आएगा नहीं. ठीक है ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ. ठीक है, बाकी इसको करने के और भी तरीके होते हैं, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं इसको. 16 9 16, पर ये कैलकुलेशन वाला वीडियो है तो मैं इसमें कैलकुलेशन ही बताऊंगा. 16 9 16, 144, 14 कैरी हो गया, 16 2 16,
32 और 14, 46, 4 कैरी हो गया, ठीक है, 16, 4 था, 64 और 4, 68, और फिर अब इसमें चार डेसिमल शिफ्ट करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 0.6864, है ना, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। दूसरा ट्रिक किस, दूसरा ट्रिक क्या होता है, दूसरा ट्रिक होता है मल्टीप्लीकेशन बाय फाइव। अभी मैंने डिवीजन बाय फाइव बताया था, अभी मल्टीप्लीकेशन बाय फाइव, 25, 125, मतलब 5 के पावर्स वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2 into 5, बहुत सिंपल है, ठीक है, 22 into 5, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मतलब इस रिलेटिवली थोड़ा सा, अब मैं 22 into 25 ले लेता हूँ, ठीक है, या काम करो पहले 32 into 25 ले लेते हैं, ठीक है। तो 32 into 25 करने का एक तरीका क्या होता है, 30 को 30+2 लिख लो, मतलब जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ट्रिक होता है, लिख लो, मतलब ये लिखना की जरूरत नहीं है, मन में करना है तुम्हें, मन में करना है, ठीक है। तो 32 को मैंने 30+2 लिखा, अब 25 3 से 750, ये भी मन में किया, और 25 2 सा 50, 750 प्लस 50 800 आ जाएगा, समझ आ रहा है। ये वाला मेथड जो होता है ना, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें एक और तरीका क्या होता है, 32, ये तो एक तरीका हो गया बेसिक तरीका, अब इसमें दूसरा तरीका क्या होता है, 32 को हम 8 into 4 लिख सकते हैं ना, समझ आ रहा है, 8 into 4 लिख सकते हैं 32 को। अब इन दोनों को पेयर कर लो, तो ये 100 बन गया, सीधे 800, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें दिखाता हूँ मैं, देखो जैसे 32 into 25 है ना, तो जैसे लास्ट केस में हमें डिवाइड बाई 25 था, तो हमने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी सेम चीज करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, मतलब तुम 25 को क्या लिख रहे हो, 25 को तुम्हें 100 अपॉन 4 लिखना है एक तरीके से। अब देखो सिंपल है, 4 से 8 टाइम्स कट गया और 800, ठीक है। मैं वापस दो तीन एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि 224 into 25 है, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है, इसमें तुम इसको ब्रैकेट में ब्रेक करके नहीं कर सकते हो, मतलब कर सकते हो लेकिन टफ होगा, इतनी देर में तुम मल्टीप्लाई कर लोगे। इसमें हम क्या करेंगे, 25 को विल राइट एज 100 बाय 4, है ना, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको 4 से काट दो, 4, 5, 20 और 56 और 5600, खत्म। अभी मान लो यहाँ पे 224 into 125 होता, फिर क्या करते, फिर हम 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 upon 8, ठीक है, 125 को 1000 upon 8 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 125 is 5 का क्यूब, I can write this as 10/2 का क्यूब, and this is 1000 and this is 8, clear है। चलो तो इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 16, ठीक है, 8 2 16, 6 कैरी हो गया, ठीक है ना, 16 आएगा तो 6 कैरी होगा, अब 6 जीरो लगाना पड़ेगा, नहीं सॉरी, 8 6 8 8 64, वापस बताऊं, देखो 8 2 16, 6 कैरी हो गया और 4 आ गया, 64 बन गया, 8 8 64, तो क्या आ जाएगा, 28000, क्लियर हो गया। वैसे अगर मैं एक और लिंक करके दिखाऊं, तो मैं देखो ये 20, ये नंबर सेम था, ये 25 की जगह 120, ये मतलब ये ट्रिक नहीं, ऐसे लिंक कर रहा हूं मैं नंबर को, ये 25 का 5 टाइम्स हो गया, तो ये नंबर भी इसका 5 टाइम्स है, ठीक है। चलो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे क्या रहा हूँ, मुझे सॉल्व करना है, तो 138 into 125, ठीक है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1000 upon 8 रीड करेंगे, और 8 से डिवाइड करना इज ईजियर देन मल्टीप्लाइंग बाई 125, तो इसको 8 से डिवाइड करो, 8 1 8, 58 बच गया, ठीक है, 58 बच गया, 8 7 56, ठीक है, 56 बच गया, 2 बच गया, डेसिमल लगाया 20 बन गया, 8 2 16, और फिर 4 बचा 48 5 40, और इसमें 3 जीरो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 जीरो तो यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, 1 जीरो लगेगा इसमें, समझ आ गया, ठीक है ना। फिर से बताऊं 8 से कैसे डिवाइड किया इसको, चलो एक 8 से डिवाइड करने से अच्छा मैं इसको एक बार काट देता हूँ, अगर तुम्हें इमेजिन नहीं हो पा रहा ना, तो मैं एक बार इसको 2 से काट देता हूँ, तो 4 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 6 12 69, अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से कैसे डिवाइड करते हैं, मुझे मान लो 69/4 करना है, तो मुझे पता है 68/4 क्या होता है, 68/4 17 होता है, 17 4 68, और एक्स्ट्रा कितना है, 68+1 है, और 1/4 कितना होता है, 0.25, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ आया, वापस बताऊं, देखो मान लो 71/4 है, तो मुझे पता है कि 72/4 is a multiple of 4, I can write this as 72 minus 1/4, 72/4 is 18, 1/4 is 0.25, so this will be 17.75, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक स्टेप पे दो दो सेकंड भी बचता है, पांचवा सेकंड भी बचता है, तो 10 स्टेप पे 50 सेकंड बच जाते, समझ आ गया, ठीक है ना। चलो
ये हो गया मल्टीप्लीकेशन बाय 525 है ना, जैसे मान लो 74 × 25 होता तो सीधे मैं इसको 4 से डिवाइड करता और 100 यहाँ लिखता, 100/4 इसको लिख रहा हूँ मैं। अब देखो 4 से इसको डिवाइड करना कितना आसान है, 18 × 4 = 74, 72 होता है ठीक है, तो 18 टाइम्स कटेगा और एक्स्ट्रा 0.5 बचेगा। नहीं समझ आया? मुझे पता है नहीं आया तो मैं वापस बता देता हूँ। आई एम राइटिंग, आई एम नॉट इवन राइटिंग, आई एम इमेजिनिंग दिस एज 72 + 2, 72 विल गेट कैंसिल्ड 18 टाइम्स एंड 2/4 = 0.5, तो ऐसे हो गया। समझ आ गया? ठीक है, आ गया होगा। और इनटू 100 है तो एक एक डेसिमल जीरो को खा लेगा और एक जीरो बच जाएगा 1850। ठीक है, दूसरा ट्रिक हो गया। तीसरा ट्रिक क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाय 11। ठीक है, अब ये वाला ट्रिक देखो, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है, बता देता हूँ। जैसे मुझे 23 × 11 करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करो यूनिट डिजिट से, इसको लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो और फिर इसको लिख दो। ठीक है, जब 37 × 11 करना है तो यहाँ से स्टार्ट करो, 7 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दो 10, और एक बच गया, एक बच गया ना, तो 3 को लिखेंगे तो एक जोड़ के लिखेंगे 407। ठीक है, अब 3 डिजिट पे करके देखते हैं इसको। मान लो मेरे पास 223 × 11 है, तो सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और फिर इसको लिख दो। समझ आ रहा है? देखो एक बार चेक करके दिखाऊं 11 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करता हूँ। देखो 11 का टेस्ट क्या होता है, ऑल्टरनेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनका सम 7 है, इसका सम भी 7 है, 7 - 7 0 आ जाएगा, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, वैसे अगर मैं एक लंबा सा नंबर लेता हूँ 3 5 7 2 1 × 11 करता हूँ, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जोड़ते रहो, जोड़ो और जोड़ो, फिर 7 5 12 एक कैरी हो गया, 5 3 8 1 9 और फिर इसको लास्ट वाले को लिख दो। इसको भी चेक करें, चल देखते हैं। 1 + 9 10 + 9 19, 3 + 2 5 + 3 8, 19 - 8 11 है, मतलब 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 का टेस्ट ये होता है। क्या करना है हमें एक बार और बता देता हूँ, 35 3 3 2 1 9 7 6 × 11। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, मैंने ये सब रटे नहीं रखा है ठीक है ना, पर सामने कर रहा हूँ। 6 से स्टार्ट करेंगे, जोड़ो 13, एक बच गया 9 7 9 16, एक बचा था 17, एक बच गया 9 1 10, एक बचा था 11, एक बच गया 2 1 3 1 4, अब नहीं बचा 2 3 5 3 3 6 3 5 8, फिर 5 3 8 और फिर लास्ट में इसको लिखना। ठीक है, अब इसको एक बार मैं टेस्ट करके देखो 11 का, देखो 6 7 13 4 17 6 23 18 23 8 31, इसको जोड़ते हैं तो 31, मतलब भाई बहुत लोगों को हिंदी में कैलकुलेशन नहीं आता, 31 मतलब 31। ठीक है, 3 1 4 5 9 8 17 3 20, इनको घटाएंगे तो 11 आएगा और ये 11 आ गया तो ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 का टेस्ट होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स का टेस्ट होता है। फोर्थ ट्रिक क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय 9, मल्टीप्लीकेशन बाय 9 99 999, ये सब। ठीक है, अब तुम्हें ऐसा ये मत सोचना कि एग्जाम में ऐसा थोड़ी आता है, कभी आ जाए इनडायरेक्ट आ जाए तो यूजफुल होता है। ठीक है, जैसे मुझे बताना है, मान लो मुझे 183 × 9 बताना है, तो इसको तो हम जल्दी कर सकते हैं, 9 3 27, 2 कैरी हो गए, 9 8 72 और 274 और 7 कैरी हो गए, 9 1 9 और 7 16, कर सकते हैं अपन। लेकिन थोड़ा और जल्दी कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, 183 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1। ठीक है, 10 - 1 लिख सकता हूँ 9 को, पता है ना, 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब सिंपल है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, 1830 - 183, बस ये करना है। मतलब जब भी 9 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर में एक जीरो लगाओ और उसी को घटा दो उससे। ठीक है, देखो 7 ये क्या बनेगा, 2 - 8 = 4। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 7। ठीक है, 6 7 - 1 6 और 1। अगर मान लो मुझे 183 को मल्टीप्लाई करना होता 99 से, देखने में घिनौना कैलकुलेशन है ना ये, मतलब क्रिंजी सा कैलकुलेशन है ये। लेकिन इसको क्या करना है, प्यार से 100 - 1 समझना है इसको, और इसमें 2 जीरो लगाने हैं, 183 में 2 जीरो लगेंगे और 183 घट जाए। समझ आ रहा है, 183 में 2 जीरो लग गए और 183 घट गया, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो 7। ठीक है,
अब यहाँ पे 9 बनेगा 1, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे 2 बनेगा ना, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मतलब यहाँ कैरी नहीं होगा, तो सिंपल 18117। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मान लो 72 इंटू 99 है, क्या करना है 72 में दो जीरो लगाना है और 72 को घटा देना। 72 इंटू 999 है तो क्या करना है 72 में तीन जीरो लगाना है और 72 ही घटा देना। ठीक है, क्योंकि ये इसको हम 1000 माइनस 1 लिखेंगे ना, तो तीन जीरो लगेंगे और खुद ही उसमें घटा देना। ठीक है, क्लियर होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ ट्रिक क्या होता है, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम नंबर्स एंडिंग विद जीरो, मतलब जीरो 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 जीरो, मतलब मान लो 1000, 10000 जो भी है, ये 10000, 1000, 100, इनमें से सब्ट्रैक्शन। अब इनमें भी बच्चों को दिक्कत होती है बहुत, तुम खुद समझ सकते हो मेरी बात को। 100 माइनस 37 है तो बच्चों को दिक्कत होती है, वो इस ये तो खैर छोटा नंबर है तो फिर भी कर लेंगे। 100 में से 30 घटा दिया, 70 में से 6 घटा 7 घटा दिया तो 63 आ गया। देखो इसको करने का एक तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है, ध्यान से सुनना। इसको तो 10 ले लो, बाकी सारे ये सिर्फ ऐसे नंबर्स पे लगेगा और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है कैलकुलेशन में। इसको 10 लो, ये 9 बनेगा। ठीक है, और फिर 10 में से 7 घटा दो, 9 में से 3 घटा दो बस। जैसे मैं ये लंबा सा नंबर ले रहा हूँ, ये लंबा सा नंबर लिया मैंने, इसमें से मान लो मुझे घटाना है 8, 2, 8, 3, 5, 7, 6, 1। ठीक है, ये मुझे घटाना है, ये 3 है तो इसमें सिंपल, ये गंदा दिख रहा है, इसका गर्दन टेढ़ा हो गया 6। तो हमें क्या करना है, इसको रीड एज 10 एंड बाकी सबको 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, बाकी सब में 9 से घटाना है और कुछ नहीं सोचना। 10 माइनस 1, 9 माइनस 6, 9 माइनस 7, 9 माइनस 5, 9 माइनस 3, 9 माइनस 8, 9 माइनस 2, बस खत्म। समझ आया? वापस बताऊं एक और एग्जांपल, ये नहीं समझ आया तो बैक करके स्लो में सुनो। 10000 में से मुझे घटाना है 7020, देखो कितना गंदा है ये, है ना, ठीक, लेकिन ये गंदा नहीं है। इसको 10 रीड करो, इसको 9 रीड करो, इसको 9 रीड करो, इसको 9 रीड करो, ये 1 9 में चला गया। ठीक है, कर घटाएं इसको, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, खत्म। ठीक है, जैसे वो 1000 में से मुझे घटाना है 353, इसमें बच्चों को दिक्कत आती थी पहले, वो क्या करते थे मतलब जो रिलेटिवली स्मार्ट बच्चे थे, जो नॉर्मल बच्चे थे वो तो ऐसे घटा लेंगे, वो क्या करते थे 300 घटाते थे तो 700 आ गया, 50 घटाते थे 650 आ गया, 3 घटाते थे 647 आ जाता था। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, 10 में से 3 घटाया 7, बाकी को 9 में से घटा दिया, बाकी को 9 में से घटा दिया, खत्म। क्लियर है? ठीक है ना, चलो इसमें जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट लिया है, मतलब 4 जीरोस लिए, 5 डिजिट नंबर है, यहाँ 233 लिया है बस, तो ध्यान रखना यहाँ पे खाली है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 10 में से घटाएंगे, इसको 6 9 में से घटाएंगे, इसको 9 में से घटाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 डाल, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये भी सिंपल है। अब मैं भूल गया कितने ट्रिक बता दिए, शायद 5 बता दिया ना। सबसे पहले मैंने बताया था डिवीजन बाय 5 वाला, मल्टीप्लीकेशन बाय 5 वाला, फिर 11 से मल्टीप्लीकेशन, फिर 9 और 99 वाला था, और अभी फिर ये सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 10 100 1000 वाला था। तो मैंने ये 5 बता दिए। 6 पे आते हैं। 6 क्या होता है, मतलब ऐसे नहीं है, रूल नहीं है 6 क्या होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ 6 नंबर पे स्क्वायर्स, स्क्वायर्स नियर 100। ठीक है, स्क्वायर्स नियर 100, देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल प्यार से, एक बार आदत बन गई तो बहुत सिंपल होगा। स्क्वायर्स नियर 100, तो एक काम करता हूँ मैं, एक नंबर लेता हूँ 98। ठीक है, अब देखो 98 क्या है, 100 माइनस 2 है। ठीक है, मैं एक बार जनरल जनरल फॉर्मूला निकाल कर दिखाता हूँ। 100 माइनस एक्स, मान लो कि 100 से एक्स कम या एक्स ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो 10000 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू एक्स। अब देखो इन दोनों में 100 कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, 100 कॉमन लेंगे तो 100 माइनस 2x बचेगा और प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 100 माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर है तो 4 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, हमेशा, क्यों, क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10000 होता है, मतलब ये सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है, तो इससे अगर छोटा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर जो है 4 डिजिट का होगा, मतलब 4 डिजिट का नंबर है, मतलब
लास्ट के दो प्लेस पे तुम्हें एक्स का स्क्वायर फिट करना है। एक्स का स्क्वायर मतलब जितना कम है जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर। और अगर अगर और इधर क्या डालना है, इधर मुझे 100 माइनस 2x डालना है। देखो 100 प्लेस पे क्या है, 100 माइनस 2x है। तो अब इसका सिंपल है, देखो इसका मुझे स्क्वायर निकालना है 98 का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो 98 100 से कितना कम है, 8 का स्क्वायर मत कर देना, 100 से कितना कम है, x कम है, x का स्क्वायर डालेंगे। तो 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर यहाँ डाल दिया। और यहाँ पे क्या डालेंगे, 100 माइनस 2x, 2 इंटू 2, x क्या है यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 कम है, तो यहाँ 9604, जैसे 99 का स्क्वायर। तो 100 से कितना कम है, ऐसे देखो 100 से कितना कम है, 1, 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या डालेंगे, 100 माइनस 1 का डबल, तो 98। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये डेरिवेशन ध्यान रखना, डेरिवेशन ज्यादातर लोग नहीं बताते, बस ट्रिक रटवा देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 93 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9 ऐसे मत पुट कर देना, 100 में से कितना कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर डाल दिया, 49। और यहाँ पे क्या डालेंगे, 100 में से डबल ऑफ 7, 14, तो 86। समझ आ गया? ठीक है, अभी मैं ले लेता हूँ एक और नंबर, 83 ले लेता हूँ। अब 83 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये 100 से कितना कम है, 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। लेकिन मैंने क्या बोला था, सिर्फ लास्ट के दो प्लेस पे फिल करेंगे, तो यहाँ पे 89 फिल करेंगे, 2 कैरी हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे 100 माइनस 17 का डबल 34 घटाएंगे, तो 66 आएगा, और 2 कैरी था तो 68 हो जाएगा, 6889। क्लियर है? एक और बता देता हूँ, टेंशन मत लो, 81 का स्क्वायर। ठीक है, अब 81 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 81 100 से कितना कम है, 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 341 या 61, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 41 या 61, 61 होता है। ठीक है, अब कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो ना, 19 के स्क्वायर में कंफ्यूजन हो, तो क्या करो, मुझे पता है 18 का स्क्वायर 324 है, अब 341 इसके बहुत ही क्लोज है, 361 वाला होगा। ठीक है, इसका मैं प्रॉपर्टी अगला अगला जो मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, अगले के अगला प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, मतलब अभी 6th है, 7th, 8th प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 361 होता है, इतना क्लोज नहीं होता है स्क्वायर। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर सॉरी 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो सिर्फ 61 दो ही प्लेस पे भरेंगे, 3 कैरी हो गया। अभी देखो 19 कम है, तो 19 का डबल घटाना होता है, 100 माइनस 2x होता है ना, इधर डेरिवेशन देखो पीछे जाके, 19 इंटू 2 38, 100 में से 38 घटाएंगे, 100 में से 38 मन में कैसे घटाते हैं, 40 घटा दिया, और 2 एक्स्ट्रा घटाया था तो 2 जोड़ दिया, समझ आ रहा है, 40 घटा के 2 जोड़ दिया, 62, और 3 कैरी था तो 6561। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं 100 से ज्यादा वाला नंबर, जैसे मैंने ले लिया 112 का स्क्वायर, 112 छोड़ो, पहले 102 ले लेते हैं। तो 100 से कितना, इसमें सिमिलर सा ट्रिक है, लास्ट के दो प्लेस पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे शुरू के प्लेस पे क्या आएगा, 100 माइनस था, यहाँ प्लस 2x आया। ठीक है, जैसे कि यहाँ 102 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ आ गया, और 102 में 2 का डबल 4 जोड़ेंगे, ये 1 नहीं है, ये मैंने ऐसे बना रखा है, ये 10404 आंसर है। ठीक है, अब जैसे 112 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 का स्क्वायर, ये 100 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो सिर्फ दो ही प्लेस भरना है, तो 4 भरेंगे, 1 कैरी करेंगे, और 100 में से 12 ज्यादा है, तो 12 का डबल ऐड करेंगे, है ना, 2x, तो 24 ऐड करेंगे, तो 125, 24, 1 कैरी था। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ऐसे करके निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आता है 7th स्क्वायर्स नियर 50। ठीक है, स्क्वायर्स नियर 50, देखो इसमें अब क्या होता है ना, इसका अगर मैं देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर डाल दूंगा दो प्लेस पे, और यहाँ पे 50 माइनस 2x, 50 प्लस 2x, जैसा 100 में हो रहा था ना वैसा ही कर दूंगा। ये वाला पार्ट गलत है, ये वाला पार्ट सही है। यहाँ शुरू वाले पार्ट में क्या करना होता है, 25 में घटाना होता है, और सिर्फ एक्स घटाना होता है या जोड़ना होता है, 2x नहीं जोड़ते। 100 वाले में क्या डिफरेंस था, 100 प्लस माइनस 2x था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था दो प्लेस पे, और बाकी यहाँ पे ये था, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 25 में से घटाया, 25 में से क्यों घटाया ये सोच के मैं बताता हूँ, सोच के तुम क्या बताओगे, लाइव क्लास नहीं है। तो 50 देखो, पहली बात तो बताओ, 50 होता तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो पहली बात यहाँ 25 से तो ज्यादा नंबर हो ही नहीं सकता, अगर 50 से कम नंबर मैंने लिया है, अगर नंबर इज लेसर देन 50, तो नंबर का स्क्वायर इज लेसर देन 2500, तो यहाँ 25 अगर मैं 50 में घटा दूँ तो इससे बड़ा होने का चांसेस है ना, इसलिए 25 में घटाते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन अगर मैं करूँ 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 2500 प्लस
प्लस टू इंटू 50 इंटू एक्स 100x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तुम यहाँ पे तुम क्या कॉमन लो, इनसे 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लेंगे तो 25 प्लस एक्स बन गया। देख रहे हो लास्ट टेस्ट में 100 प्लस 2x बचा था, पलट पीछे जाके देखो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डालना है और 100 प्लेस पे क्या डालना है, 25 प्लस एक्स या 25 माइनस एक्स अगर ये वाला केस है तो। चलो ठीक है, एक बार मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 47 का स्क्वायर मतलब 50 में कितना कम है, 3 कम है। 7 का स्क्वायर मत लिख देना, 50 से कितना कम है उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 25 में से सिर्फ 3 घटा दो, डबल ऑफ 3 नहीं घटाना, तो यार ठीक है। जैसे मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर, और 25 में से सिर्फ 4 जोड़ना है तो 29। ठीक है, अगर 104 का स्क्वायर होता तब हम यहाँ 16 रखते और यहाँ पे 100 में 4 का डबल जोड़ते। ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज मत होना, सिंपल है। यहाँ 100 प्लस 2x होता है और यहाँ पे सिर्फ 50 नहीं, देखो 25 प्लस x। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, यहाँ 25 में जोड़ते घटाते हैं, यहाँ पे 100 में उसका डबल जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला तो सेम रहता है पार्ट। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर देखो 50 से कितना कम है, 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। एक कैरी हो गया। अब 50 में से 11 कम है तो यहाँ 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 आएगा और एक जुड़ के 15 आएगा। ठीक है, चलो वैसे अगर मान लो 67 का स्क्वायर है, तो 50 से 17 ज्यादा है तो 17 का स्क्वायर होता है 289 ही लिखेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ दो प्लेसेस भरने हैं एक्स स्क्वायर से, बाकी का टू कैरी हो गया। कैरी कैरी से कुछ याद आया, टिकटॉक। चलो तो 50 से, तो यहाँ पे सिर्फ 25 में जोड़ेंगे और सिर्फ x जोड़ेंगे, तो 25 प्लस 17 कितना होता है, 42 होता है, और 2 जोड़ के 44 हो जाए। ठीक है, समझ आ गया। चलो बाकी क्वेश्चन तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अपना नंबर दे दूंगा, मैं वापस समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मैंने 7 देख लिया प्रॉपर्टीज, 8 देखते हैं। 8 क्या होता है, अब 8 होता है एंडिंग विद 5 के नंबर्स, एंडिंग इन 5, एंडिंग इन या एंडिंग विद जो भी होता है, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, एंडिंग इन 5। जैसे कि अब इसका बहुत ही सिंपल है, जैसे मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है, अगर मैं नॉर्मल मेथड से निकालूं तो 100 माइनस 5 है तो 25, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 100 में से 5 का डबल घटाना होगा तो 90 आ जाएगा, तो 9025। लेकिन एंडिंग विद 5 का एक अलग शॉर्टकट होता है, याद रखना, अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है ना तो उसके लास्ट में हमेशा 25 आएगा। इफ एनी नंबर एंड्स इन 5, उसका स्क्वायर हमेशा 25 से एंड करेगा, हमेशा। तो लास्ट में 25 आ गया, अब 9 है तो यहाँ पे क्या करो, 9 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 10 90। जैसे 85 का स्क्वायर है, मतलब इस ये तो क्विक है ही, 95 इंटू 95 करने से क्विक है ये, और इससे भी क्विक है ये, समझ आ गया। 85 का स्क्वायर देखो, लास्ट में 25 और आगे 8 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर 9। 135 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो लास्ट में 25 और यहाँ पे 13 इंटू 14। ठीक है, अब 13 इंटू 14 का अलग ट्रिक होता है, 13 इंटू 14 का अलग ट्रिक होता है, उसको हम लिखेंगे 9th। अच्छा, मैंने पहले बोला था कि 8 पे मैं कोई और ट्रिक बताने वाला हूँ, खैर नंबरिंग मैटर नहीं करता, मैं बता दूंगा। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, जैसे मुझे 135 का स्क्वायर निकालना था तो मुझे इतना पता था कि लास्ट में 25 आएगा और शुरू में 13 इंटू 14 आएगा। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो 13 इंटू 14 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 13 इंटू 13 प्लस 1, तो 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, मन में करेंगे, ये मैं लिख के समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 182। इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मैं 13 को 14 माइनस 1 लिख दूँ और 14 को 14 रहने दूँ, तो 14 का स्क्वायर माइनस 14, तो 196 माइनस 14, देखो सेम नंबर है दोनों, 182। समझ आ गया, मतलब अगर तुम्हें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करना है ना, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर, या लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस लार्जर नंबर, ये लार्ज है, एल से लार्ज, एन से स्मॉलर नंबर, जो भी है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। जैसे कि मुझे अगर निकालना है, मुझे निकालना है 25 इंटू 26, तो मैं क्या करूँगा, 25 का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 प्लस 1,
this will be 25 k square plus 25, so 625 plus. अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जो ट्रिक जहां दिख जाए वहां लगा दो, बाकी इसको इसको प्रैक्टिस करने के लिए गेम होता है. अगर तुम इस वीडियो को देख के वो गेम खेलने लगते हो 10 दिन 15 दिन तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली. ठीक है, तो 25 इंटू 26 है, तो इसको 4 से इसको 100 बाय 4 लिख सकते हैं, याद है मैंने बताया था थोड़ी देर पहले. तो 4 से इसको काटते हैं, सिंपल है, 4 से कितनी बार कटेगा 6.5 टाइम्स, और 2 जीरो मल्टीप्लाई होंगे इसमें तो 650 आ जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मुझे करना है 28 into 29, तो सिंपल है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर या लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस लार्जर नंबर. मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा. 9 ट्रिक्स हो गई. अब देखो 10th ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक जनरल प्रॉपर्टी, ये कोई ट्रिक नहीं है, जनरल प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स की, ये भी कहीं कहीं काम आ जाती है. जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, देखो ये क्या होता है 1, 4, 9, ठीक है, 16, 25, 36. अब एक चीज देखो मैं दिखाता हूँ अभी, अगर मैं अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो अगर मैं 1 में 1 प्लस 2 ऐड कर देता हूँ, अगर मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है तो 2 प्लस 3 इसमें ऐड कर देता हूँ. देखो ध्यान से, इसको इसको ऐड करने से 4 आ रहा है, इसको ऐड करने से 9 आ रहा है, मुझे 3 का स्क्वायर आता है, 4 का स्क्वायर निकालना है तो 9 में मतलब पिछले नंबर के स्क्वायर में 3 और फिर जिसका स्क्वायर निकालना है वो ऐड कर दूंगा, देखो 16 आ रहा है. मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है, मुझे 16 में पिछला नंबर प्लस जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है देखो 25 आ रहा है. ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे तो हमें याद है तो काम नहीं आएगा. जैसे मुझे पता है कि 81 का, या मान लो छोड़ो 19 का स्क्वायर बच्चे भूल जाते हैं तो 19 का स्क्वायर निकालना है, तो 18 के स्क्वायर में पिछला नंबर और खुद नंबर जिसका स्क्वायर निकाल रहा है, तो ये 324 याद होगा प्लस 18 प्लस 19 ये कितना होता है 37 होता है, इसको ऐड करोगे 361 आएगा, 341 नहीं आएगा. तो कंफ्यूजन जब भी हो तो ऐसे निकाल के चेक कर लो. जनरल प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर्स की, जैसे मुझे 29 के स्क्वायर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ये क्या होगा, पिछले नंबर का स्क्वायर प्लस पिछला नंबर प्लस जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ये होता है 784. ये होता है ना, ये जितनी ना हो जाए इसमें 57 जोड़ देंगे. ठीक है, तो देखो 7 + 4 = 11, एक कैरी हो गया 4, और 7 + 1 = 841. इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं 861 होता है 841 होता है, यहाँ 841 होता है और 19 के स्क्वायर में 361 होता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ 6 आता है. ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से. 10 ट्रिक्स हो गए कि 11 भूल भी गया मैं, छोड़ो जो भी हो गया, मैं नेक्स्ट ट्रिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट शायद 11th या 12th है पता नहीं. चलो नेक्स्ट ट्रिक में क्या है हमारे पास, मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, मैंने लगभग सारी ट्रिक्स बता दी हैं जो कि तुम्हारे काम की हैं. ठीक है, और भी बहुत ट्रिक्स होते हैं छोटे मोटे, हर जगह काम नहीं आते, ये सारे ट्रिक्स हर जगह काम आएंगे. ठीक है, मतलब इतने ही ट्रिक्स थे, बाकी एक मिनट. चलो बाकी कोई भी ट्रिक होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अभी मैं रिवाइज करा देता हूँ मैंने हम लोगों ने भी क्या क्या किया है. सबसे पहले था मल्टीप्लिकेशन बाय 5, 25, ये सब. दूसरे नंबर पर था डिवीजन बाय 5, 25. तीसरे नंबर पर मैंने क्या कराया था, इंटू 11 कराया था. फिर चौथे नंबर पर मैंने इंटू 9, 99 कराया था. फिर पाँचवें नंबर पर मैंने स्क्वायर्स कराए थे. ठीक है, स्क्वायर्स नियर 100, स्क्वायर्स नियर 50. ठीक है, उसके बाद मैंने एक कराया था स्क्वायर्स एंडिंग इन 5. ठीक है, उसके बाद मैंने कराया था कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट. ठीक है, छोटा वाला नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला नंबर. फिर हमने और भी कुछ किया था और वो मैं भूल गया तो तुम वीडियो में जाके देख लेना मैंने क्या किया था. 11, 5, चलो ठीक है, 2-3 चीज़ें और करी थी हमने, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या, मैं लाइन से चलता जाता हूँ तो मैं भूल गया. ठीक है, एंडिंग इन 5 हमने कर लिया, एंडिंग इन 5. हाँ, मैंने सब्ट्रैक्शन किया था इन नंबर से, 1000 से, 10,000 से, ये सारे किए थे. और एक और किया था जो भी था, टोटल 10 या 11 ट्रिक्स करी थी. ठीक है, चलो कुछ तो तुमने इस वीडियो से सीखा होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना क्या क्या सीखा, कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और भी कैलकुलेशन ट्रिक्स चाहिए, और क्वेश्चन चाहिए करने के लिए तो मैं ऐप बता दूंगा. ठीक है, कमेंट कर देना.
और इसमें से तुम्हें कितने सारी चीजें आती थी और कितनी चीजें तुमने सीखी। अच्छा, वो टोटल नंबर ऑफ ट्रिक्स माइनस जितने तुम्हें आती थी उससे आप निकाल लेना सर, ऐसा तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय।